राम राम जी। तो आज बात करेंगे ऋषि अगस्त जी के बारे में। यह वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है। यह वीडियो में हम लोग ऋषि अगस्त जी को जानेंगे ही और उन्होंने जो पूरे मानव सभ्यता के लिए क्या क्या योगदान दिए हैं, और इसके साथ 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 में कंपेयर करेंगे कि क्या मॉडर्न साइंस में ये सारी चीजें पॉसिबल है या नहीं। क्योंकि हमारा मानना ये है कि जो हमारा धर्म है सनातन धर्म, उसमें आप सवाल जवाब कर सकते हैं, आप डिस्कशन कर सकते हैं कि जो चीजें हमें बताई गई है कि क्या वो सही है या फिर गलत। हमारा धर्म बाकी धर्मों जैसा नहीं है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अगस्त मुनि जी का हमें रेफरेंस वैदिक पीरियड से मिलता है। वैदिक पीरियड मतलब जब पूरे धरती पे सारी नॉलेज वेदों से मिलती थी और हमारे पूर्वजों को जो भी काम करने होते थे वो यज्ञ करते थे, देवताओं को यज्ञ ऑफर करते थे, तो वो वैदिक पीरियड था। और अगर सिंपल भाषा में बात करें तो सतयुग और त्रेता युग। अगस्त मुनि जी पुलस्त्य जी के पुत्र थे। उनके पिताजी एक प्रजापति थे। प्रजापति मतलब ब्रह्मा जी के चेतना से जन्म लेने वाले लोग। उनके एक और सगे भाई थे ऋषि विश्रवा, जो खुद एक बहुत बड़े ऋषि थे। कुबेर, रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, ये सब उन्हीं के पुत्र थे। तो इस हिसाब से रावण और कुंभकर्ण अगस्त मुनि जी के भतीजे थे। अगर लिटरेचर रेफरेंस की बात करें तो अगस्त मुनि जी के सारे बड़े बड़े वेद पुराण और इतिहास पुराणों में उनका रेफरेंस मिलता है, जैसे कि ऋग्वेद और जो अपनी हिस्ट्री है रामायण और महाभारत। तो भाई अगर उनकी पूरी बायोग्राफी की बात करें तो ये 2-3 मिनट की वीडियो में कवर करना इम्पॉसिबल है। तो हम सभी लोग जो उनके मेन इंसिडेंट है उस चीज पे डिस्कस करेंगे। पुराणों में बताया गया है कि जो विंध्याचल पहाड़ों की श्रृंखला है वो आज से लाखों साल पहले बहुत ऊंची हुआ करती थी। इतनी ऊंची कि अपनी जो धरती है उस पे सूर्य और चंद्रमा की रोशनी भी नहीं आ पाती थी। तो वो अगस्त मुनि जी ही थे जिन्होंने विंध्याचल पर्वतों से रिक्वेस्ट की थी। उसके बाद ही विंध्याचल पर्वतों ने अपनी हाइट को कम कर लिया था, जिससे सूर्य और चांद की रोशनी आज धरती पे आ पा रही है। मुझे लगता है आपको ये सब सुनने के बाद यकीन नहीं हो रहा होगा, पर अगर आप मंगल ग्रह पे देखेंगे तो मंगल ग्रह पे एक माउंट ओलंपस है, पहाड़ों की रेंज, जो अपने माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना ऊंची है, और उसके आसपास के एरिया में आज भी सूरज की लाइट इम्पॉसिबल है। पर अपना सवाल ये है दोस्तों कि अपने पूर्वज इतने एडवांस कैसे थे? उन्होंने पुराणों में लिखा कि वो पहाड़ों की श्रृंखला इतनी ऊपर थी, फिर उन्होंने नीचे करी ताकि सूरज की लाइट आ पाए और चांद की लाइट आ पाए, तो उन्हें ये सब चीजों की नॉलेज कैसे थी? एक और इंसिडेंट पे बात कर लेते हैं कि जब भगवान शिव की शादी हो रही थी तो इस पूरे यूनिवर्स के सभी लोग उस इवेंट को देखने के लिए हिमालय पे गए थे। तो ऐसा कहते हैं कि जो धरती माँ थी उन्होंने भगवान शिव से रिक्वेस्ट की थी, क्योंकि अब इतने सारे लोग, इतने सारे देवी देवता हैं, सभी लोग उस इवेंट को देखने जाएंगे नॉर्थ की साइड, तो धरती का डिसबैलेंस हो जाएगा, तो धरती माँ उस बैलेंस को संभाल नहीं पाएंगे। तो भगवान शिव ने धरती माँ से बोला था कि आप अगस्त मुनि जी से रिक्वेस्ट करें कि वो साउथ पे चले जाएं, तो जो वो डिसबैलेंस था नॉर्थ और साउथ का वो बैलेंस हो जाएगा। तो अपना सवाल भाइयों फिर से ये है कि मॉडर्न साइंस में ये चीज पॉसिबल है कि अर्थ का भी डिसबैलेंस हो सकती है? तो मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। अगर आपने दुनिया के जो सबसे बड़ा डैम है जो चाइना में है, 3 जॉर्ज डैम, उसके बारे में सुना होगा कि वो डैम इतना बड़ा है कि उसने अपने धरती के रोटेशन को 0.06 सेकंड स्लो कर दिया। और एक और एग्जांपल मैं आपको दूंगा, ये सुनने में थोड़ा सार्केस्टिक और इम्पॉसिबल है, फिर भी वो इस पॉइंट को बहुत अच्छे से क्लियर कर देगा। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि इस दुनिया के सभी लोग अगर एक साथ जम करेंगे एक ही टाइम पे, तो हम सभी लोग धरती को सोलर साइकिल से बाहर कर देंगे। तो भाइयों हमारा सवाल ये है कि हमारे पूर्वजों को इतनी डीप साइंस के बारे में कैसे पता था कि अर्थ भी डिसबैलेंस हो सकती है? अगर एक और इंसिडेंट की बात कर लेते हैं, हम सभी लोगों ने कावेरी नदी के बारे में तो सुना होगा, जो साउथ की गंगा के नाम से जानी जाती है, वो भी अगस्त मुनि जी ने ही दी थी। लेकिन कावेरी नदी जो साउथ में बह रही है, वो साइंटिस्ट भी कहते हैं कि वो अननेचुरल है। अगर अपने ग्रंथों में बताया गया है कि अगर साउथ में बहुत ज्यादा सूखा था, बारिश नहीं होती थी, वहां पे खेती बाड़ी नहीं होती थी, तो अगस्त मुनि जी ने ही वहां पे कावेरी नदी दी थी, और जो आज भी प्रूव होता है कि वो अननेचुरल चीज है। ऐसे ही रामायण में बताया गया है कि अगस्त मुनि जी ने ही भगवान राम को दिव्य अस्त्र दिए थे, जो कभी ना खत्म होने वाले तीर थे। और भी एक इंसिडेंट मिलता है कि धरती पे एक समय सारे असुर समुद्र के नीचे जाके छुप गए थे, तो देवताओं ने अगस्त मुनि जी से प्रार्थना की थी, तो उन्होंने पूरा समुद्र का जल पी लिया था, जिसके बाद देवताओं ने सारे असुरों का नाश कर दिया था। पर भाइयों मैं एक चीज कहूंगा कि क्या सच है क्या झूठ है, लेकिन जो भी चीजें हमारे पुराणों में बताई गई है, भले ही वो कहानी के रूप में बताई गई हो, मैं ये नहीं कह रहा कि कहानी सच होगी या झूठ, लेकिन जो भी कहानियां उसमें बताई गई हैं, उससे हम लोग चीजों को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। और एक चीज, जो कुछ भी हम लोग आसपास देख रहे हैं धरती पे, वो सब हमारे पूर्वजों की वजह से ही है। तो भाई अगर आपने पूरी वीडियो देखी हो तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, तो प्लीज आप अपना फेवरेट पार्ट कमेंट में बताइए, और अपने दोस्तों को, अपने फैमिली को जरूर टैग करिए। इससे हम लोगों को बहुत मोटिवेशन मिलती है। जय श्री राम भाई।